आईपीएल 2023 में कल का मुकाबला काफी शानदार देखने को मिला था, और कल के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल हुआ है, ऑरेंज कैप में उथल पुथल हो गया है। ऋतुराज कहां पहुंच गए हैं, चहल कहां पहुंच गए हैं और पॉइंट्स टेबल कहां पहुंच गया है, सब चीजें बताने वाला हूं। और चेन्नई अब से कैसे टॉप कर सकती है, बाकी टीमों को कितने परसेंटेज चांस है, सब बताऊंगा। सो वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरव्यू देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं बात करने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल ही देखेंगे। तो पॉइंट्स टेबल यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान रॉयल्स ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, केकेआर ने 3 में से 2, एलएसजी ने 3 में से 2, जीटी ने 3 में से 2 और सीएसके ने 3 में से 2 और पंजाब किंग्स ने भी 3 में से 2 मुकाबले, यानी कि ये टीमें हैं जो कि 2-2 मुकाबले जीत चुके हैं। उसके बाद आरसीबी 2 में से 1 मुकाबले, SRA 3 में से 1 मुकाबले, मुंबई ने 2 में से 2 हारे हैं और दिल्ली 3 में से 3 हारे। तो इस प्रकार की चीजें हैं, पॉइंट्स टेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि SRA ने कल का मुकाबला जब हरा दिया था पंजाब को, तो इन्होंने थोड़ी सी लंबी छलांग लगाई है, क्योंकि अंतिम पायदान से सीधा ये पहुंच चुके हैं। उसके बाद 2 कदम ऊपर ले लिए हैं और पंजाब किंग्स जो कि ऊपर थी वो सीधा नीचे आ चुकी है, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी गिर गया है, क्योंकि कल 8 विकेट से हार गए थे, तो बड़ी हार थी। उसके बाद चीजें और ज्यादा बेहतर हुई थी, चेन्नई सुपर किंग्स जो कि नंबर 4 पे थी अब नंबर 5 पे आ चुकी है। उसके बाद जो गुजरात टाइटंस थी वो आज पहुंच गई है नंबर 4 की पोजीशन पे, यानी कि छेड़छाड़ तो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन फिलहाल यही पॉइंट्स टेबल है। और चेन्नई अगर अगला मुकाबला टेबल टॉपर राजस्थान को हरा देती है तो वो नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पे अगला मुकाबला हराइए और पहुंच जाइए। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं अब ऑरेंज कैप के बारे में, लेकिन गाइस उससे पहले आप भी यहां पे हर मैच की प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं कि कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है, क्या रहने वाला है टॉस प्रेडिक्शन, तो टोनी भाई से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में इनका नंबर पिन हुआ है, फटाफट जाइए उनसे संपर्क करिए, वो आपको 100% मैच एक्यूरेसी, 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, सब चीजें आपको बता देंगे। तो फटाफट से उनसे कॉन्टेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में नंबर उनका पिन हुआ है, व्हाट्सएप पे सीधे हाई लिखिएगा। सो गाइस फाइनली बात करने वाले ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप में सबसे पहले शिखर धवन ने सरप्लास कर दिया, यानी कि सीधा पार कर दिया है ऋतु को, 3 में से 3 मुकाबले में 225 रन बना चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 3 में से 189 रन बना चुके हैं। उसके बाद डेविड वार्नर नंबर 3 पे है, 3 में से 158 रन बना चुके हैं। जॉस बटलर ने 3 में 152 और काइल मेयर्स हैं जो कि 3 में से 139 रन, यानी कि ये बाकी जो खिलाड़ी है वो इस तरीके का चल रहा है। ऋतु अगर अगले मुकाबले में अच्छे काफी रन 35-40 रन बनाए थे तो ये फिर से ऑरेंज कैप के रेस में नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, और फिलहाल ऑरेंज कैप कुछ इस प्रकार की चीजें कहती हैं। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले हैं पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप की बात कर लें तो सबसे पहले चहल हैं, 3 में से 8 विकेट ले चुके हैं। राशिद खान 3 में से 8 विकेट ले चुके हैं। मार्क वुड ने 2 में से 8 विकेट ले चुके हैं। रवि बिश्नोई ने 3 में से 6 विकेट और सुनील नरेन ने 3 में से 6 विकेट, तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको पता चल चुका होगा कि पर्पल कैप का क्या चीजें चल रही है, क्या हाल चल रही है, और आगे और ज्यादा चीजें यहाँ पे बदलने वाली, तो वो मैं फिलहाल मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीजें जो कि सामने निकल गया थी मैंने आपको बता दिया है, और जो भी चीजें होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सो इसी के साथ ये वीडियो फिलहाल एंड करते हैं। अब आप अपने एनालिसिस के साथ।